करना नोमेरिकल इसके रियल का ऐसी क्वेश्चन लास्ट टाइम पढ़ लिया हमने इसके नोमेरिकल रह गए थे नोमेरिकल करने थोड़ा सा थ्योरी और इसके अंदर वो पहले स्टार्ट करते हैं फिर इसके आगे करेंगे नोमेरिकल रियल का ऐसी क्वेश्चन की क्लियर तो ध्यान रखेंगे इसका वेब ऑफ प्रेस पढ़ाई नहीं चलो स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टाइम मैंने रियल कैसे क्वेश्चन पूरा डिटेल में ले लिया है कि लो प्रेशर पे क्या होगा हाई प्रेशर पे क्या होगा और मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा हाई टेम्परेचर पे क्या होगा वो सारी डिटेल डिस्कस दिसक्र, हो चुकी है इसकी अभी स्टार्ट करेंगे यहां से बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट क्या है

इस टेम्परेचर पे जो फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे अट्रैक्टिव और आ, क्या कहते हैं रिपल्सिव वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को और मतलब कि ताकि गैस आइडियली बिहेव कर सके क्लियर ताकि गैस जो है आइडियली बिहेव कर सके तो ये पॉइंट ध्यान रखना है बॉयल टेम्परेचर क्या होता है जब रियल गैस दिमाग में भूला नहीं है बिल्कुल जब रियल गैस बिहेव करेगी लाइक एन आइडियल गैस और उसका फॉर्मल याद रखेंगे ड्राइव करेंगे इसको आगे भी टीबी इज टू ए बाई आर बी

फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज हाँ अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज एक्टिंग ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स अराइव एट ए बैलेंस अराइव एट ए बैलेंस फॉर रियल गैस इस पॉइंट पे ऐसा होगा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज अराइव एट ए बैलेंस फॉर रियल गैस तो यह ध्यान टीबी टीबी बाय आर बी

थर्मस फ्लास्क देखा हुआ सबने yes, yes, होगा टीआई सबसे ज्यादा है फिर टीबी है और टीसी सबसे कम है ए भी सब में कॉमन है ना चेक कर लो उससे ये इससे चेक कर लो ये इनको अभी फॉर्मूले याद कर लेना ताकि मैं कंसेप्ट सब दिखाऊं तो तुम्हें आता हो पहले से फॉर्मला याद हो फॉर्मूले बहुत सारे हैं याद करने वाले इसके अंदर तो वो सब करना है, सही ना? तो ये बॉल, बॉल है, क्लियर? है अब नोट करेंगे यहां से आया का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राई कर सकते हैं या फिर जिसने थोड़ा बहुत एक मैक्लोरन सीरीज होती है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है वो कर सकता है क्वेश्चन आया था आर के अंदर जो रियल गैस इक्वेशन है एक इसकी विरियल इक्वेशन होती है जो कि थी आर टी वन प्लस बी बाय वी बी कॉन्स्टेंट है प्लस डैश 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 ये चलेगा सारा ये सारा चलेगा इधर कैपिटल बी की वैल्यू होगी और फर्स्ट विरियल कॉफिशेंट है आर फर्स्ट विरियल को आर आगे जो आएंगे सेकेंड थर्ड इस तरह से चलेंगे ये दिस इज कॉल्ड एज रियल इक्वेशन ये दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन लिखने का एक दूसरा तरीका है सही ना पीवी जो टू तो आर टी वन प्लस प्लस डॉट आ जाएंगे सारे दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन तो इसमें तुम्हें कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है कैपिटल बी की वैल्यू और इसको केमरलिंग ओन्स की क्वेश्चन भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसको केमरलिंग ओन्स की क्वेश्चन केमरलिंग ओन्स एंड मोस्ट पॉपरली पॉपुलरली नोन के डॉट ओन्स इसकी क्वेश्चन है कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है कैपिटल बी की कभी भी ये डॉट 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 आता है ना आगे कभी भी ये डॉट 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 आगे आएगा इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक्सपेंडेबल फॉर्म ई की पावर एक्स टाइप का या थ्योरम टाइप का कुछ लगना है इसके अंदर ना और मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे दे देता हूँ थ्योरम का जैसे पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है नहीं तो मैं हिंट देता दे 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 हूँ उसके अंदर हिंट क्या है इसका कि जैसे अगर है सपोज वन प्लस एक्स रेस टू एन वन प्लस एक्स रेस टू एन पढ़ रखा है मैथ्स में तो बहुत अच्छी बात है ध्यान रखना कि एक्स जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन वन

अगर एक भी नेगेटिव हो गया इसमें से, जैसे वन तो माइनस एन, तो एन एक्स प्लस आगे सेम टर्म्स वन माइनस एक्स रेज़ टू तो एन तो भी सेम वन माइनस एन एक्स प्लस आगे सेम टर्म्स और अगर वन माइनस एक्स रेज़ टू तो माइनस एन है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ये चलेगा सब आगे और ध्यान रखना आगे वाली टर्म्स में हमेशा सिर्फ एनएक्स लेंगे सो तो तो हायर, नगलेक्ट, हायर पावर को नेगलेक्ट करेंगे तो इसका यूज करना है इसके अंदर एक बार ट्राई करेंगे एक मिनट का टाइम है देखते कि कौन प्रूव कर सकता है इस कैपिटल बी की वैल्यू क्या है इस कैपिटल बी की वैल्यू क्या निकालना तुम्हें द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल बी

चलो ध्यान देंगे इधर अब निकाला किसी ने दक्ष चलो एक बार ध्यान देंगे मैंने डिटेल दे दी थी मैं कैसे करना है ये देखो रियल कैसी क्वेश्चन की एक्चुअल फॉर्म क्या है जो कि वेंडर वॉल्स ने दी थी ध्यान देंगे उसमें किसने निकाला ये आंसर किसने निकाला है लक्ष्य लक्ष्य yes, नहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है लक्ष्य निकलना चाहिए कुछ ये अटकना नहीं चाहिए क्वेश्चन दोबारा बोल क्या बोला तूने

क्या है सर है ये बी माइनस स्मॉल बी माइनस ए बाई आर टी कैपिटल बी की वैल्यू ये रट देना है इसको बिल्कुल ढंग से हाँ दक्ष दक्ष बोल दिया अगर दक्ष का सही है और कोई ये इसको रट भी देना ध्यान चीज का वैल्यू याद होनी चाहिए दोबारा आसता क्वेश्चन ये कैपिटल बी माइनस ए बाई आर टी अब एक बार डेरिवेशन देख लेंगे जल्दी से देखो सर रियल गैस इक्शन की फॉर्म थी पी प्लस ए बाय वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी दिस रियल गैस फॉर वन मोल रियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल देर फोर पी प्लस ए बाय वी इज इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी आर टी बाय वी माइनस बी और इस ए बाय वी स्क्वायर को भी मैं दे ले जा रहा हूं तो पी आ गया यहां से आर टी अपॉन में वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर ये क्यों किया ताकि मैं इधर पी की फॉर्म ले आऊं अब पी की फॉर्म आ जाएगी मल्टीप्लाइंग बाय वी वी से मल्टीप्लाई करके पी की फॉर्म आएगी वी से मल्टीप्लाई इधर किया वी से मल्टीप्लाई इधर किया वी से मल्टीप्लाई इधर किया तीनों तीनों तीनो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वी से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब वी से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को एक टर्म ऐसी जरूर बनानी है जिसमें वन माइनस एक्स की पावर एन या वन प्लस एक्स की पावर एन कुछ ऐसी फॉर्म आए ताकि ये डॉटेड वाले जो पार्ट है वो मेरा आ जाए उसमें तो पी वी जो 2 v से मैं जब डिवाइड करूंगा इधर तो ये आ जाएगी टर्म देखो rt अपॉन में 1 b v समझ आ गया कि नहीं है a v एक बार चेक करेंगे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ये v को मैंने नीचे लिख दिया है 1 v बनाकर लिख सकते हैं ना इसको यस yes, सर मैं समझ आया हाँ तो बस ये ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर ये इस आ, ये सॉल्व करने पर ये आ गया अब मैं इसको लिख रहा हूं पी वी इज इक्वल टू आर टी वन माइनस बी बाई वी की पावर माइनस वन माइनस ए बाई वी यहां आ गई वाली फॉर्म चेक करेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या आ गया वन प्लस एक्स आ जाएगा पी वी क्या आ जाएगा यहां से आर टी ब्रैकेट में वन प्लस वन प्लस बी बाई वी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वन प्लस बी बाई वी प्लस डॉट 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 ये आएगा आगे हायर टर्म्स को करेंगे अभी अब मैं इस ए बाय बी को भी अंदर लिखूंगा तो आर टी से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है इस फॉर्म में आर टी बाहर है बाकी ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ तो ये आ गया वन प्लस वन प्लस बी माइनस क्या आ जाएगा ए vrt समझ आई बात की नहीं समझ आएगी चेक करो कोई डाउट तो पूछ लो पे तो ये फॉर्म आ गई जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया वन प्लस वन बाय वी कॉमन ब्रैकेट में बी माइनस ए बायर टी ये आ गया टर्म्स को अलर्ट कर दिया तो यहां पे कंपेयर कर लो ये जो हमारा आंसर आया है इसको कंपेयर करो ये जो आंसर आया है इसको कंपेयर करो ऊपर वेल्यू क्वेश्चन आगे क्या बी महीने से पार्टी चेक करो चेक करो पर आगे कि नहीं कोई पॉइंट किसी को पूछना दोबारा पूछ सकते हो नहीं तो आगे कर रहे हैं ये याद कर लेना इसमें मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आगे डेरिवेशन भी यहीं पे ही है अगर आता है ना डिराइव टेम्परेचर वो यहीं डिराइव हो चुका है जो बी माइनस ए बाई आर टी है जब तो हम इसको जीरो रखेंगे तो रियल आइडियल इक्वेशन बन जाएगी जब इसको जीरो रखेंगे तो पीवी आर टी मीन आइडियल इक्वेशन बन जाएगी तो इसलिए इस टेम्परेचर पे ये इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बॉयल टेम्परेचर। एट विच रियल गैस इज लाइक एन आइडियल गैस एक बार चेक करो इसे समझ आ गया कि नहीं है आ गया सर। अब ध्यान देना मैं इसी में कर रहा थोड़ा सा अगर ये वाली इक्वेशन जो है जो भी इक्वेशन है जो ऊपर इक्वेशन है ये बताओ आइडियल इक्वेशन कब बनेगी जब क्या चीज जीरो बोलो इसमें क्या चीज जीरो दू कि आइडियल इक्वेशन बन जाए सिस्टम

टी इज गोल टू ए बाई आर टी यही आएगा ना T यहाँ पे टी बी बन जाएगा टी बी वेर बी इज बॉयल पॉइंट टी बी से डोनोट करते हैं इसको तो टी बी डरविशन होगी यहाँ पे बॉयल पॉइंट की टी बी गोल टू ए बाई आर बी टी बी क्या है ऐसा टेम्परेचर जब रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह जब रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह हाँ ऋषि बोलो क्या हो गया

ड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्लियर रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट ये पढ़ेंगे इसमें इसमें क्या है हम ना रियल कैसीफिकेशन को रियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं क्लियर रियल गैस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि उसके अंदर कोफिशियंट ए और बी आए ही ना सॉरी रियल गैस इक्वेशन इज रिटर्न इन सच ए वे दैट कोफिश ए एंड बी डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द इक्वेशन एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव इफ वी हैव सम अदर प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड दीस टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर कॉल्ड एज रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस वॉल्यूम

ये फॉर्मले मैं डिराइव करूंगा इसको भी आगे टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है ए टे बाई ट्वेंटी मैंने पीछे बताया था टीसी टीसी होता है ए बाय ट्वेंटी एक होता है वी सी वी सी होता है थ्री बी ये मैं डिराइव करूंगा तो मैं अभी तीनो, तीनों तीनों डराइव करूंगा बोर्ड के सिलेबस में कुछ भी नहीं है अभी जो अब जो पढ़ा रहा हूं मैं लेकिन एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेंगे एटलीस्ट फॉर्मले तो जरूर करने हैं अब तो मेन्स में भी आने लग गया जाए टीसी पीसीवीसी क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल वो temperature होता है जिसके ऊपर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है उसको प्रेशर अप्लाई कर दें लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर तुम कितना भी प्रेशर लगा लो गैस के ऊपर कितना भी दबा दो गैस को गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर मैं भी आगे बताऊंगा इसको लेकिन उसके लिए

ट द कोजेंट रिड्यूस प्रेशर इज गिवन एज पी वाई पी सी ये

प्लस ए बाय बाय ए वी सी स्क्वायर इसका इसका स्क्वायर और की जगह वी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी क्लियर इज इक्वल टू आर टी पी आर पीसी प्लस ए बाय सी का स्क्वायर वी आरवीसी इन माइनस बी इज इक्वल टू आर टी अब यहां पे हम लेंगे ध्यान देंगे इधर ये टर्म हमने लिख दी अब मैं पीसी की वैल्यू पुट करूंगा ध्यान देंगे किसकी वैल्यू पुट करनी है अब पीसी की वैल्यू पुट करेंगे वीसी की वैल्यू पुट करेंगे वीसी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ टीसी आएगा टीसी की वैल्यू पुट करेंगे इन तीनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं पुट कर रहे हैं जो मैंने अभी फॉर्मले लिखे थे ध्यान देंगे इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पी आर इंटू पी का क्या आएगा ए बाय ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर और प्लस ए बाय वी आर वी सी क्या था थ्री बी इसका स्क्वायर और वी आर वी सी वी आर वी सी क्या था थ्री बी माइनस बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू आर एट ये मैंने टीसी का एट ए बाय ट्वेंटी सेवन आर बी तो एट ए बाय ट्वेंटी सेवन आर बी 27 b हो जाएगा क्यों क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा 8 बाय 27 b अब इसको सॉल्व करके बताओ कि एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे इसको जल्दी से आगे ट्राई करते हैं कॉमन लेकर कॉमन ले करो तो सब एलिमिनेट हो जाएगा यहां से एक टी आर टम हो रहा है यहाँ पे, पे, एक एक मिस हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देंगे बार। तो क्योंकि टी आर टी सी तो आर टी आर टीसी टी। ये आना था तो एक टी आर और टम हो रहा है यहाँ पे टी आर चेक करेंगे कोई गलती ना हो उसके अंदर आंसर कर लेंगे इसमें ए और बी नहीं आने चाहिए क्वेश्चन के अंदर अब नगाले यस सर यस सर आगे क्या है कशिष बोलो कशिष आर एस में ए और बी का इक्वेशन है नो सर नहीं आ रहा पी आर पी आर अपॉन प्लस हाँ हां नहीं इसमें कॉमन ले लो ना ए बाय 27 बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है डायरेक्ट यस सर लिया 27 बी स्क्वायर कॉमन ले लो इधर से हाँ तो पी आर प्लस थ्री ए बाय वी आ जाएगा देख चेक करना एक बार वी का स्क्वायर है हाँ? ना ये आएगा और इधर से हमारा कॉमन क्या ये आ जाएगा बी कॉमन आ जाएगा सर थ्री बी तो नाइन बी स्क्वायर हो जाएगा नाइन बी स्क्वायर ट्वेंटी सेवन ले हाँ, सही सही लिया ना इसमें क्या आ जाएगा ऊपर ये थोड़ा सा देख के बोलो अगर मुकुल अब यहाँ पे मैंने बी कॉमन ले लिया b कॉमन लिया तो थ्री वी आर माइनस वन आ जाएगा थ्री वी आर माइनस वन आ जाएगा और इधर क्या है एट ए टी आर बाय ट्वेंटी सेवन बी ये ना देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखो टर्म्स क्या कैंसिल हो रही है यहाँ पे ट्वेंटी सेवन बी है तो कैंसिल हो गया बी बी तो कैंसिल हो गया ट्वेंटी सेवन बी कैंसिल ट्वेंटी बी कैंसिल ए और ए कैंसिल चेक नहीं, यही आ रहा है देखना, थ्री वी आर माइनस वन दिस इज द इक्वेशन ऑफ इसमें कोई नहीं आ रहा है और बी, दिस इज एट टी आर एट टी आर ये इक्वेशन है फाइनल

बी की वैल्यू निकालनी है अगर ये ध्यान रखना बी की अगर वैल्यू निकालनी है एक्सपेरिमेंटली और एक्यूरेट तो हम निकाल सकते हैं उसको b की वैल्यू टीसी की टर्म्स में और पीसी की टर्म्स में निकाल लोगे सी की और टी की टर्म्स में देखो अगर तुम निकालोगे पीसीवीसी ध्यान रखना पी सीवीसी इन टर्म्स ऑफ टी तो ये थ्री बाय आर टी सी आएगा ये प्रूव कर लो बताऊ में वीसी की वैल्यू पुट करो प्रूव हो गए ये इसको ले लो जरा टीसी को ए स्क्वायर ट्वेंटी को थ्री बी देखो क्या आ रहा है इससे बी से एक बी कैंसिल क्या गया से थ्री ए बाय ट्वेंटी सेवन ए बाय नाइन बी आया और ये भी क्या आ रहा है चेक करो एक बार इसको थ्री बाई एट आर टी सी टी सी क्या है ए बाय ट्वेंटी को मैंने लिखा नहीं शायद पे वीसी को 3B है A by B square है देखना क्या प्रूव हो रहा है ये होता ना टी सी वैल्यू क्या होती है एट ए बाई ट्वेंटी सेवन आर बी तो रिलेशन समझ आ गई होगी ये एट से एट कैंसिल थ्री नाइन प्रूव हो गया कि नहीं ये ए बाय नाइन बी इधर भी आ गया तो ये रिलेशन भी याद रखना पी सी और टीसी में रिलेशन है ये टीसी वीसी थ्री एट आर टीसी प्रूव करना बहुत सिंपल है, पीसी वीसी की वैल्यू पुट करो और टीसी की वैल्यू पुट करो इक्वल आ जाएगा अब मैंने तुम्हें बोला बी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ पीसी एंड टीसी, निकालो जरा बी की वैल्यू एक B की वैल्यू निकालो और एक Z भी निकालो Z की वैल्यू Z की वैल्यू निकालो तुम लोग हाँ इसकी वैल्यू निकालो इस टर्म्स में रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस वॉल्यूम रिड्यूस टेम्परेचर में Z की वैल्यू निकालनी तुम्हें टी आर पी आर वी आर की टर्म्स में और ऐसी B की वैल्यू की बी की वैल्यू निकालनी है टीसी और पीसी के डाउंस में निकालो जल्दी से क्लास खत्म होती है ज्वाइन करना है निकाला किसी ने देखो बी, बी क्या है वीसी बाय थ्री बी क्या है वीसी बाय थ्री अब VC की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ अभी मैंने तुम्हें बताया पीछे PC VC वी सी इज वो टू थ्री बाई एट आर टी है तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 बाई एट मैं यहां पुट कर रहा हूं VC की वैल्यू 1 बाय थ्री तो है ही 3 बाई एट आर टी PC बाई पी सी हो गया प्रूफ कि नहीं 3 से 3 कैंसिल और बस ये आ गया सही ना RTC टी सी बाई एट पी सी आर टी की वैल्यू

अपॉन में आर टी सी आर टी आर इंटू टीसी बस अब वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आंसर आ गया पीसी होता है हमारा ये ध्यान देंगे ये पीसी वी सी बाई टी सी अभी मैंने बताया पीछे पीसीवीसी बाई टी सी इज इक्वल टू थ्री बाई एट अभी क्या है ना प्रूफ थ्री बाई एट आर यही है ना तो इस इसकी जगह में पीसी वीसी बाय टीसी जगह लिखता हूं थ्री बाय एट आर तो मैं प्रूव कर रहा हूं थ्री बाय एट आर चेक करो आर से आर कैंसिल क्या आ जाएगा जेड की वैल्यू जेड की वैल्यू आ जाएगी पी आर वी आर बाय टी आर थ्री बाई एट थ्री बाई एट ये चीज ध्यान रखनी इसके अंदर थ्री बाई एट ये ध्यान रखना इसके अंदर सही ना ये प्रूव कर दिया है अच्छा मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पूछा था जेड इज टू पी वी बाई आर टी में जेड इज टू पी वी बाई नोट कर लिया होगा सबने ये जेड इज टू पी वी बाई आर टी के अंदर बाई आर टी मान लो आर टी वन मोल के लिए यहाँ पे वी कौन सा वी कौन सा आइडियल है कि रियल है और पी कौन सा आइडियल है कि रियल है ध्यान है क्या यहां पे पी है आइडियल वाला और वी है रियल वाला प्रूव करना है तो जेड टू तो वी आर बाई वी आई से प्रूव कर लेंगे इससे प्रूव हो जाएगा